अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम इस्लामी भाई को ईद उल अज़हा के मौके पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं तमाम इस्लामी भाई से गुजारिश करता हूँ कि हम जो कुर्बानी की जानवर को ज़बह करते हैं तो मैं अपने पूरे नौजवानों से, मेरे दोस्तों से, मेरे भाइयों से, मेरे साथियों से गुजारिश करता हूँ कि कुर्बानी का जानवर का वीडियो ना बनाएं। अगर बना भी लें तो वो मेहरबानी करके सोशल मीडिया में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंटरनेट में, ग्रुप में ना डालें ताकि इनका मैसेज गलत जाए। हम अपने बुज़ुर्गों से गुजारिश करते हैं कि वो अपने नौजवानों को, अपने भाई को ये हिदायत दें ताकि हमारी कुर्बानी का जानवर सोशल मीडिया तक ना पहुंचे। परब ये खुशी का दिन है। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हर परब मिलजुल कर मनाते हैं। हर परब एक दूसरे को कंधा पे कंधा मिलाकर खुशियां बांटते हैं। हमारे पुरखों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमेशा प्यार मोहब्बत के साथ जो निभाए हैं, जो गंगा जमुना का तहजीब जो हमें हमारे पुरखों ने सिखाए हैं, हम उसे कायम रखें। हम अपनी मोहब्बत, अपने प्यार, हमारे अपने भाईचारे को हम हमेशा कायम रखें। हम ऐसा कोई गलती ना करें कि किसी के दिल में ठेस पहुँचे हो या किसी का दिल दुखा हो। हमारे मज़हब ये नहीं सिखाता। हमारा मज़हब हमें प्यार, आपस में प्यार और मोहब्बत बांटने का सलाह दिया है और देते हैं और हम इस पर अमल करें। अमन और शांति के साथ हम परब मनाएं, खुशियों के साथ हम परब मनाएं, अपने परिवार, अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने पूरे हिंदुस्तानी हर मज़हब के तबके के लोगों के साथ गला मिले, पुरानी गिला शिकवा भूल जाएं और एक सवेरा प्यार का हो, मोहब्बत का हो, जिसे हमारे हिंदुस्तान की अमन चमन हमेशा बरकरार रहे। यही बात कह के मैं ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। जय हिंद, जय भारत।